हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फिफ्थ मैथ्स एक्सरसाइज 9.7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट, फाइंड द क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन फाइंड आउट करना है और इसका ए पार्ट है 20.4 डिवाइड बाय 3 का डिवाइड हमें देना है 20.4 में, तो 3 का डिवाइड 20.4 में देना है। तो क्या करेंगे, हम डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। 3 6 18 क्या बचा 2। अब हम पॉइंट लगाएंगे, फिर ब्रिंग डाउन करेंगे 4, क्योंकि इसके बाद में पॉइंट ही है। तो 3 8 24, ओके स्टूडेंट। तो यहाँ पर तो आपका क्वेश्चन आया 6.8, ये आपका क्वेश्चन होता है, ये आपका रिमाइंडर होता है, ओके। ये आपका रिमाइंडर होता है, ये आपका क्वेश्चन होता है, तो इस टाइप से हम कर सकते हैं। इसी टाइप से हमारा बी पार्ट है 4.2 3 5 डिवाइड बाय 2.5। हम क्या करें, 4.235 ऐसे लिख दे रहे हैं, इसको लिख रहे हैं 2.5। इसका पॉइंट हमें हटाना है, तो हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 10 से मल्टीप्लाई इसमें भी कर दो। तो यहाँ हो जाएगा ऊपर 42.35, नीचे हो जाएगा 25, ओके। तो 25 का डिवाइड 42.35 में दे देंगे, 25 का डिवाइड 42.35 में दिया, तो 25 सब्ट्रैक्ट कर लो, 12 में से 5 सब्ट्रैक्ट 7, यहाँ हो जाएगा 1, और ब्रिंग डाउन अगर हमने 3, अब यहाँ 6 टाइम दे दो, पॉइंट तो हमने लगा ही चुके हैं यहाँ पे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे क्योंकि फर्स्ट डेट के बाद। 25 6 150 सब्ट्रैक्ट कर 3, यहाँ से 2, ब्रिंग डाउन कर लो 5, ओके। तो 25 9 225, यहाँ हो गया 10, ओके। 10 और लगा लो, 25 4 100, ओके स्टूडेंट। तो ये आपका क्वेश्चन। इसी टाइप से हम नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट इज दिस वन, 243.18 डिवाइड बाय 6.3, ओके स्टूडेंट। तो इसको कैसे करेंगे हम, 243.18 डिवाइड बाय 6.3, तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई, दोनों में दे दो, यहाँ हो जाएगा 2431.8 और यहाँ हो जाएगा हमारा 63, ओके। 63 का डिवाइड देना है 2431.8 में, तो 63 3 जा 9, ओके। 3 6 18 189 हो जाता है, 4 टाइम करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा इससे, तो हम 3 टाइम ही देते हैं, 3 टाइम 189 सब्ट्रैक्ट कर लो इसमें से, 13 में से वैन भी सब्ट्रैक्ट 9, यू गेट 4, यहाँ हो जाएगा 313, अगेन सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम 13, यू गेट 5, 54 आएगा। अब हमने क्या करा, ब्रिंग डाउन कर लिया 1, अब यहाँ पे इसका डिवाइड दे देंगे, तो कितने टाइम दे सकते हैं हम, 9 टाइम करके देखो, 9 टाइम ज़्यादा हो जाएगा, 8 टाइम करते हैं, 63 8 जा 24, 2 कैरी, 8 6 जा 48 2 50, इतना होगा 504, ओके। तो 8 टाइम करेंगे हम, 504 सब्ट्रैक्ट करा, यहाँ 7 हो जाएगा, इधर आपका 3 है, 3 का 3 एस डीज आएगा, ओके। अब हमने ब्रिंग डाउन कर लिया 8 यहाँ ब्रिंग डाउन करा, अब कितने टाइम जा सकता है, 6 5 30 6 6 6 जा कर लेते हैं, एक बार पॉइंट लगा लो, 33 63 6 जा 6 3 18 1 6 36 37, यानी कंप्लीट डिवाइड हो जाता है आपका 6 टाइम में। यहाँ 6 लिखा, 378, ओके। यहाँ आपका कुछ नहीं बचा, यह आपका क्वेश्चन हो गया 38.6, ओके स्टूडेंट्स। तो इस टाइप से सारे के सारे आपको पार्ट्स करने हैं। इसी टाइप से नेक्स्ट पार्ट हम समझा रहे हैं आपको, सेकंड क्वेश्चन के। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 75.75 डिवाइड बाई 10। अब इसमें जब डिवाइड 10 100 1000 इस टाइप के डिवाइड हो तो बहुत इजी होता है, 75.75/10 ऐसे लिख लो। अब यहाँ जब भी डिवाइड देंगे लेफ्ट साइड में चलता चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 7.575, ओके। ये आपका आंसर हो गया। इसी टाइप से बी पार्ट और बता रहे हैं आपको, 167.8 डिवाइड बाई 10, यहाँ पर भी डिवाइड बाई 10 है, तो 167.8 डिवाइड बाई 10, पॉइंट हमारा किधर जाएगा, लेफ्ट साइड में, तो 16.78 ये आपका आंसर हो गया। इसी टाइप से और भी एक दो पार्ट बता दे रहे हैं, ये सी पार्ट देख लो,
6079 डिवाइड बाय 1000, ओके 1000 ही डिवाइड देना है। तो यहाँ पॉइंट तो है नहीं, तो पॉइंट हमारे यहाँ मान लिया जाएगा, और यहाँ पॉइंट है तो 3 डिजिट के बाद 1 2 3 डिजिट के बाद लेफ्ट साइड में इधर चलता चला जाएगा 6.079, ओके ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन आप सॉल्व करते चले जाओगे। ओके स्टूडेंट्स, तो डी पार्ट और करा दे रहे हैं, 180.75 डिवाइड बाय 100, 180.75 डिवाइड बाय 100, 100 में 20 तो 2 डिजिट के बाद इधर पॉइंट हो जाएगा, तो 1.8075 ये आपका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से एक सारे के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। ओके थैंक यू।